हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज मुझे ऐसा लग रहा है बड़े दिन के बाद आपके सामने आने का मौका मिला है। काफ़ी बिजी था अपने स्कूल के स्केड्यूल में, या कह सकते हैं कि अपनी बुक्स में। और अच्छा लगा जब बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए पर्टिकुलरली एफर टेस्ट को लेकर, जो कि फिजिकल का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक हम कह सकते हैं। और इसके ऊपर वाइवा बेस कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। लेकिन इससे पहले कि उस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। और साथ में जो भी आपका मन हो, मीन्स कोई भी ऐसा टॉपिक जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो अभी तक आप डील नहीं कर पाए हैं या आपको लग रहा है कि आउट ऑफ टच है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपके लिए तैयार करके दे दूंगा। और साथ में संडे व्लॉग जो कमिंग संडे आ रहा है वो देखना मत भूलिएगा, कुछ डिफरेंट होने वाला है। इससे पहले 3 व्लॉग आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसको भी देखिए। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जो आपके CBSE ने एक्सटेंशन दिया है उसको लेकर भी एक वीडियो आपके लिए मैं जरूर देने वाला हूँ। और 1 जून को जैसे रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन को, उसके बाद आगे की डेट फाइनल की जाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन एज इट इज़ रहती है तो मे बी एक और एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, या फिर दूसरा आपके सामने एक चॉइस दे दी जाएगी कि आप अपना बता दीजिए कि हाउ यू वॉन्ट टू बी प्रमोटेड, या फिर कैसे आप चाहते हैं आपको प्रमोट किया जाए। कुछ ना कुछ आपके सामने जरूर आने वाला है। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को उस साइड पर लिखा है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, BMI इज ऑल्सो नोन एज, जैसे बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स को सेकेंड और किस नाम से जाना जा सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्विटलेट इंडेक्स, QUETLET, क्विटलेट इंडेक्स इसका सेकेंड नाम है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर की, विद द हेल्प ऑफ BMI वन कैन नो, BMI से आप किस चीज का पता कर सकते हैं, क्या चीज आप पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे वेदर वन इज अंडरवेट, ओवरवेट, नॉर्मल या फिर ओबीज। ओबीज क्या होता है? बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फैट होना, या फैट होना जो है हम कह सकते हैं। तो ये BMI की हेल्प से हम जान सकते हैं। और क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डज द वेट एंड हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल मेजर इन BMI? अब कैसे आप मेजर करेंगे? जो कोई भी इंसान है उसकी BMI में हाइट को, वेट को आप कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ हम कह सकते हैं वेट को तो आप मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेकिन हाइट को आप मेजर करेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आप मेजर करेंगे। ये आपने वहाँ पर रिप्लाई देना है। अभी एक स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? द हायर द BMI द ग्रेटर द रिस्क ऑफ, अगर किसी इंडिविजुअल का BMI हायर है तो ग्रेटर द रिस्क ऑफ, किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा? तो हम कह सकते हैं सम डिसीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, या स्ट्रोक हो सकता है, सम कैंसर्स एंड Type 2 diabetes इसमें आ जाएगी, इसमें काउंट की जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच कैटेगरी इज काउंटेड अंडरवेट? अगर BMI आपका इतना है तो कौन सी BMI कितना होना चाहिए कि वो अंडरवेट काउंट होगा? तो वो वहां पर आप बोलेंगे 18.5 और बिलो, इससे नीचे जो है वो BMI अगर है तो समझिए अंडरवेट काउंट होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ WHO ये एक टेबल बनाई गई है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। इस टेबल को भी आप गो थ्रू करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बड़े सारे स्कूल्स में मैं ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुका हूँ, जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं, दे आर फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने यही टॉपिक किया है तो वो आपसे ये पूछेंगे, वो जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब बताइए, या फिर आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, या इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और अगर आप फिजिकल एजुकेशन में बिलीव नहीं करते या फिजिकल फिटनेस में बिलीव नहीं करते तो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट चलो आप अपने सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करके जाइए। अब अगर करें कि नॉर्मल वेट कैसे काउंट होगा, किस कैटेगरी तक काउंट हो जाता है नॉर्मल वेट जो है, तो वो हम कह सकते हैं 18.5 से अगर 24.9 के बीच में BMI है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो नॉर्मल वेट काउंट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट टेबल आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जो पर्टिकुलरली आपका टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले वो गिवन था, मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो ये डेवलप हुआ था बाय अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा, और इसको आज की डेट में जो एफर है इसको आज की डेट में एफर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। देखिए कितना लेंदी नेम है, लेकिन आपको माइंड में रखना है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस।
आप जो है बोल सकते हैं. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर इतने ही क्वेश्चंस ऐड कर सकता था. सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड और मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वर्जन है ऑफ दिस टेस्ट, यानी जिस टेस्ट की हम एफर टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये पब्लिश हुआ था 1958 में. फर्स्ट वर्जन इस टेस्ट का पब्लिश हुआ था 1958 में. और नेक्स्ट इसी में पूछा जाएगा, यानी बहुत सारे चेंजेस के बाद, सपोज ये लगा लीजिए 1958 में, तो काफ़ी चेंजेस किए गए टाइम टू टाइम. और इसके बाद जो है कुछ बैटरीज बनाएगी इस टेस्ट के अंदर. कौन सा टेस्ट है? एफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में. एंड दिस टेस्ट वॉज डिज़ाइन पर्टिकुलरली, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये टेस्ट किस पर्पज़ के लिए बना है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दिस टेस्ट वॉज डिज़ाइन टू कंपेयर द फिटनेस एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल विद द हाई स्टैंडर्ड एथलीट्स. हाई स्टैंडर्ड एथलीट्स क्या होते हैं? जिनको एक वर्ल्ड लेवल पे अलग से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, या जिन एथलीट्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है. तो उन एथलीट्स के साथ जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो ये टेस्ट बहुत काम आते हैं. तो यहाँ अगर हम बात करें कि टोटल हमारी 6 टेस्ट बैटरीज हैं, तो कौन कौन सी 6 टेस्ट बैटरीज हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं. वन बाय वन भी पूछी जा सकती हैं, या फिर जैसा आपको कहा जाएगा कि उन 6 टेस्ट बैटरीज के आप नाम बताइए. तो फर्स्ट आती है पुलअप, जो कि बॉयज़ के लिए है, और इसमें आती है फ्लेक्स्ड, जो है वो आर्म हैंग, वो गर्ल्स के लिए होती है. फिर नेक्स्ट हम कैटेगरी बोल सकते हैं बेंट नी सेटअप्स, ये हमारी सेकंड टेस्ट बैटरी है. थर्ड हमारा है शटल रन, और नंबर 4 पे आता है आपका स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, और नंबर 5 पे है 50 यार्ड डैश. 50 यार्ड डैश जो है ये आपकी नंबर 5 पे आती है बैटरी. नंबर 6 पे आती है 600 यार्ड रन, ये आप कह सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए कि नो डाउट इन सभी टॉपिक को आपसे एग्जामिनर सेपरेट वे से भी पूछ सकते हैं, या आपसे वो पूछ सकते हैं कि सपोज बेंट नी सेटअप्स है, ये किस नंबर पे आती है बैटरी, तो आप यहाँ बोलेंगे 2 नंबर पे आती है. क्योंकि देखिए टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत हाईफाई होती हैं. अगर आपने इस टॉपिक को चूज़ किया है तो आपको इस टॉपिक की जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. अब जैसे फर्स्ट ही हम आइटम लेते हैं, हमारी पुलअप्स है या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है, उसका मेन एम क्या होता है? अब जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड मस्कुलर इंड्योरेंस ऑफ आर्म्स एंड शोल्डर, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? उसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर वाला, या टेस्ट आइटम जो है पुलअप्स है या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट रोल है. और इसका स्कोर के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोसीजर के बारे में पूछा जा सकता है. ऐसे ही हमारा टेस्ट नंबर 2 है, वो है बेंट नी या सेट अप्स जो है, ये हम बोल सकते हैं. इसमें आप क्या बोलेंगे कि दिस टेस्ट हेल्प्स टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर इंड्योरेंस ऑफ ट्रंक मसल्स. अब ट्रंक मसल्स के लिए ये वाला आपका टेस्ट यूज होता है. तो बेसिकली बच्चों मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टेक्निकली ये पॉइंट्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं अपने सामने देख चुका हूँ फिजिकल एजुकेशन का वाइवा जैसे लिया एग्जामिनर ने, क्योंकि एक ऑब्जर्वर के तौर पर उस स्कूल में था, तो टीचर वहाँ पर जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने खो खो लिया है या बास्केटबॉल लिया है, वॉलीबॉल लिया है, तो पोल की हाइट तक भी पूछ रहे थे, वो लाइन के बारे में भी पूछ रहे थे. तो अगर आपका एफर्ट टेस्ट के अलावा भी कोई और आपने टॉपिक चूज़ किया, तो उसकी टेक्निकल पॉइंट्स को आप जरूर करके जाइएगा. नो डाउट दिस ईयर द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट, आपको उसका एडवांटेज मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरी करके रखिएगा. और आई होप सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे. और ये भी कहूँगा कि मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो दे चुका हूँ, फिर भी आपके किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट्स से रिलेटेड जो है उसके वाइवा दे चुका हूँ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और इवन इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो दे चुका हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो फ्री माइंड होकर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हर विश को पूरी करने की कोशिश करूँगा. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे. और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा.